ब्रिजलाल जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ब्रिजलाल जी, हर किसी का जो इस वक्त अटेंशन किसी ने ग्रैब किया है तो वो इस बात ने कि अफजाल अंसारी को क्या सजा मिलती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के केस में क्लैरिटी थी लेकिन अफजाल अंसारी की सजा के ऐलान के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते ये मैं कह सकता हूँ कि मुख्तार अंसारी गैंग का जो मास्टरमाइंड रहे हैं वो अफजाल अंसारी ही रहे हैं। अफजाल अंसारी का जो बाहुबल था और जो व्यक्ति 5 में ये विधायक हुए थे पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से, उस समय अपने भाई मुख्तार अंसारी का मनोबल बढ़ाया और जो तांडव इन भाइयों ने मनाया है और आज जो अफजाल अंसारी को सजा डिक्लेयर हुई है, अभी सजा डिक्लेयर भी हो जाएगी और इनकी सांसदी जो है वो भी चली जाएगी, तो ये जो विधायकी का सांसद होने का जो सुरक्षा कवच इस परिवार के पास रहा वो उतरना शुरू हो गया है। इनके भी सुरक्षा कवच उतर जाएगा और मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी निकट बहुमुख अंसारी वो भी है, उनको भी सजाएं होना तय है। तो इस सजा का जो अफजाल अंसारी का है इसका बड़ा ही दूरगामी परिणाम होगा और वहाँ के मैं कहूँगा, लेकिन आज मैं ये भी कहूँगा कि इस सजा से इतनी घटनाएं हुई हैं और ये सब के पीछे अफजाल अंसारी रहते थे, यही बचाते थे। जब तक वो विधायक नहीं रहा तो जो केसेज होते थे, पहला जब सत्येंद्र राज 17 जुलाई 86 को मर्डर किया था, इन्होंने उस केस को सीआईडी में ट्रांसफर डिले करना सब करना, तो वो पूरा जो मास्टरमाइंड अफजाल अंसारी रहे और इनको सजा होना बड़ी बात है और इसको मैं इस सजा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी ब्रिजलाल जी, लेकिन एक बात और बताइए, क्योंकि अभी इन लोगों के सामने ये तो निचली अदालत का फैसला होगा, इसके बाद आगे के रास्ते भी खुले होंगे, लेकिन जितना लंबा ये सफर लगा यहाँ तक पहुंचने में, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा, रास्ता खुला है लेकिन जैसे सजा यहाँ सो जाएगी इनकी सांसदी चली जाएगी, वो तो बाद में देखना क्या होगा, लेकिन वो जमाना खत्म हो गया जब अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी गवाहों को मरवा देते थे, धमका देते थे, गवाही नहीं देने देते थे, ट्रायलों को 10-10, 20-20 साल ये आगे खिसकाते थे, वो जमाना खत्म हो गया और इस सजा से इस राजनीतिक जो एक अपराधिक परिवार जो राजनीति का चोला ओढ़ा था उस पर बहुत बड़ा झटका लगा है और योगी आदित्यनाथ सरकार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जितने माफिया हैं सबके केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट पर डालकर सजाएं कराई जा रही हैं, जैसे माननी का चोंगा ये उतर जाए। अगर ये माननी का चोटा इस परिवार पर नहीं होता तो मुख्तार अंसारी जो छोटा सा अपराधी गली मोहल्ले का जितना बड़ा अपराधी नहीं होता, जिसके पर हजारों हजारों